डियर स्टूडेंट्स, इट इज ईवीएस फॉर क्लास फोर और हमारा आज का टॉपिक है सेफ ड्रिंकिंग वाटर। उसके आज हमें टेक्सचुअल क्वेश्चंस करने, क्योंकि हमने लेसन कंप्लीट किया, टेक्सचुअल का क्वेश्चंस आज हम करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन इस तरह है, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द राइट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। चूज द राइट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स और वर्ड्स इस तरह है, प्योरीफाइड, बॉयल्ड, स्टैगनेंट, प्रीशियस, प्योर। तो नंबर वन है, मॉस्किटोज ब्रीड इन डैश वाटर। मॉस्किटोज ब्रीड इन डैश वाटर। मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैगनेंट वाटर। तो नंबर टू, मॉस्किटोज, नंबर बी पार्ट जो है, दैट इज कंटेमिनेटेड वाटर शुड बी डैश बिफोर ड्रिंकिंग। कंटेमिनेटेड वाटर शुड बी प्यूरिफाइड बिफोर ड्रिंकिंग। तो सी जो है, तीसरा पार्ट, वो है वाटर विच इज फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड डैश वाटर। वाटर विच इज फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज, जो जर्म्स और इम्प्योरिटीज से फ्री होगा, जो जिसमें जर्म्स और इम्प्योरिटीज, बाकी गंदगी नहीं होगी, जिसमें जरासीम और बाकी गंदगी नहीं होगी, उसको प्योर वाटर कहते हैं। और ये है मॉस्किटोज ब्रीड इन, मॉस्किटोज जो है वो मच्छर जो होते हैं वो स्टैगनेंट वाटर, यानी कि रुका हुआ पानी जो होता है उसी में वो अंडे देते हैं। कंटेमिनेटेड वाटर शुड बी प्योरीफाइड बिफोर ड्रिंकिंग। कंटेमिनेटेड वाटर मीन्स वो वाटर जो जिसमें गंदगी होगी, जिसमें जरासीम होगी, जिसमें बाकी कुछ गंदगी होगी, उसको पहले प्योरीफाई करना चाहिए ड्रिंकिंग से पहले, पीने से पहले उसको पहले प्योरीफाई करना चाहिए। तो डी पार्ट जो है, दैट इज वाटर इज वेरी प्रीशियस। वाटर इज वेरी प्रीशियस, पानी बहुत कीमती है, वी शुड नॉट वेस्ट इट। हमें इसलिए इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। डी पार्ट, ड्यूरिंग द मॉनसून वाटर शुड बी बॉयल्ड टू किल द जर्म्स। मॉनसून के दौरान जब बरसात का मौसम होता है, उस टाइम हमें पानी जो होता है वो पहले बॉयल्ड करना चाहिए, वो पहले उबालना चाहिए और उबाल कर हमें वो पीना चाहिए मॉनसून में, यानी कि बरसात के दिनों में। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो स्टेटमेंट इस तरह है, इट इज गुड फॉर हेल्थ टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ रिवर और अ पॉन्ड डायरेक्टली। ये क्वेश्चन इस तरह है कि हमें डायरेक्टली पानी पीना चाहिए पॉन्ड्स और रिवर्स में, हमें डायरेक्टली पानी, ये ठीक है डायरेक्टली, अगर हम डायरेक्टली पानी पियेंगे दरियाओं और पॉन्डों में तो क्या वो ठीक है? नहीं, वो ठीक नहीं, वो गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो नंबर टू है, यूज ऑफ अनसेफ वाटर कैन काज डिजीज। अनसेफ वाटर जो होता है, क्या उससे डिजीज इंसान को लगते हैं, उससे बीमारियां लगने के चांस होते हैं, ये ट्रू है। सी, यानी कि तीसरा पार्ट जो है, दैट इज द फिल्टर्ड वाटर विच विल लुक क्लीन मे कंटेन जर्म्स। तो फिल्टर्ड वाटर जो होता है, जो हमें साफ दिखता है, उसमें जर्म्स हो सकते हैं, उसमें कीड़े हो सकते हैं, ये ट्रू है, क्योंकि कुछ जर्म्स ऐसे हैं जो हमें अपनी आंखों से, नेकेड आई से हमें देख नहीं सकते हैं, जो हम अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। वी कैन नॉट सी दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद हेल्प ऑफ आवर नेकेड आइज, वी कैन सी देम विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप के जरिए हम उनको देख सकते हैं, हम नेकेड आइज से उनको नहीं देख सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। दैट मीन्स जो पानी, क्लीन पानी जो होता है या फिल्टर्ड वाटर जो होता है, उसमें भी जरासीम हो सकते हैं, जो हमें अपनी आँखों से नज़र नहीं आते हैं। तो ये था ईवीएस आज का टॉपिक। तो शुक्रिया।